सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल तस्दीक इमके को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। पाकिस्तान के बारे में कुछ रोचक तथ्य जो आप नहीं जानते। वैसे तो पाकिस्तान के बारे में सभी दुनिया को पता है, लेकिन इसके साथ साथ यह एक अच्छा देश भी है। क्यों कि पाकिस्तान के अंदर देखने लायक चीज है। यहाँ बहुत से ऐसे और भी चीज है जो कि हम पाकिस्तान के अंदर पा सकते हैं और दूसरे किसी भी देश के अंदर ऐसी चीजें हमको नहीं मिलती है, जैसे कि नमक की खान या वहाँ के सबसे ऊंचे पहाड़ या वहाँ के और भी पुरानी चीजें जैसे तक्षशिला यूनिवर्सिटी है जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। वैसे तो पहले पाकिस्तान एक भारत का ही हिस्सा हुआ करता था जो कि 1947 में अलग हो गया। इससे पहले भारत के अंदर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देशों के साथ भारत एक बहुत ही बड़ा देश हुआ करता था। लेकिन आज हम आपको इन बातों से अलग पाकिस्तान के बारे में रोचक जानकारी बताएंगे जो कि आपको शायद पहले कभी नहीं सुनने को देखने को मिली होगी। पाकिस्तान के अंदर दुनिया की लगभग सबसे ज्यादा प्राचीन चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ पर सबसे ज्यादा पुरानी चीज आपको पता भी होगा, सिंधु घाटी और मोहनजोदड़ो लगभग 4700 साल पहले की है, जो कि एक बहुत ही बड़ा शहर हुआ करती थी, लेकिन वह पूरी तरह से पाकिस्तान के अंदर नहीं है। उसका कुछ हिस्सा भारत के अंदर भी है। पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे रेगिस्तान है जो कि सबसे उपजाऊ रेगिस्तान है। तो इस तरह की कुछ और भी विचित्र और रोचक चीज हम आपको पाकिस्तान के बारे में बताएंगे जो कि शायद आप नहीं जानते हैं। पाकिस्तान के बारे में रोचक तथ्य। पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान का ऑफिशियल नाम इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ पाकिस्तान है। यह देश 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर दूर में फैला हुआ है और यह दुनिया का 33वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ की आबादी 19,73,00,000 है। आबादी के लिहाज से यह दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और इसकी ऑफिशियल भाषा उर्दू है। एक दुनिया के 7 अजूबों के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप यह जानते हैं दुनिया का 8वां अजूबा कहाँ पर है? शायद आप इस बात को नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया का 8वां अजूबा पाकिस्तान के अंदर है। यह अजूबा है पाकिस्तान और चीन के बीच में बना हाईवे काराकोरम। इस हाईवे की लंबाई 1300 किलोमीटर है और यह हाईवे काराकोरम की पहाड़ियों से होकर गुजरता है। इसकी ऊंचाई 15,396 फुट है, इसीलिए इसको दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। यह यहाँ का बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्थली है। तो पाकिस्तान दुनिया का पहला मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु पावर है और इसके अलावा यह दुनिया का 11 सबसे ताकतवर देश है। 3 पाकिस्तान एकमात्र मुस्लिम देश है जिसकी रिसर्च सेंटर अंटार्कटिका में है। 4 दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क पाकिस्तान में है जिसे ईशा फाउंडेशन चलाता है। इसके नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। 5 पाकिस्तान की नेशनल ड्रिंक गन्ने का रस है। यहाँ का राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय पशु मारखोर है। 6 दुनिया का सबसे बड़ा इंसानों द्वारा बनाया गया जंगल पाकिस्तान के अंदर है। इसका नाम चंगा मंगा फॉरेस्ट है। यह 12,000 एकड़ में फैला है। 7 इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोपियन बिजनेस एडमिट द्वारा 125 देशों में किए गए सर्वे में पाकिस्तान को दुनिया का 4था सबसे इंटेलिजेंट देश पाकिस्तान को बताया गया है। 8 पाकिस्तान का थारपारकर रेगिस्तान दुनिया का सबसे उपजाऊ रेगिस्तान माना जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी नमक की खान पाकिस्तान में है। 9 दुनिया में बनने वाले सबसे ज्यादा फुटबॉल के अंदर पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान के अंदर दुनिया के सबसे ज्यादा 60% से 70% फुटबॉल बनाए जाते हैं और यह सभी फुटबॉल पाकिस्तान के अंदर हाथों से बनाए जाते हैं, इसलिए पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा फुटबॉल बनाने वाला देश है। यहाँ सियालकोट में मौजूद फैक्ट्रियों के अंदर
4.6 करोड़ फुटबॉल हर साल बनाए जाते हैं। यहाँ के बनाए गए फुटबॉल काफी अच्छे भी माने जाते हैं। 10. पाकिस्तान से सिर्फ 2 ही लोगों ने नोबेल पुरस्कार जीता है। एक तो 2014 में मलाला यूसुफ जई ने शांति के लिए और दूसरा अब्दुल सलाम फिजिक्स के लिए 1979 में जीता था। 11. एक सर्वे के हिसाब से दुनिया की सबसे अच्छी धुन वाला राष्ट्रीय गान पाकिस्तान का है। 12. पाकिस्तान का बिफो ग्लेशियर दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। 13. पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले देशों में 20वें नंबर पर आता है। 14. 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में हजारों लोग मारे गए थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस युद्ध में सबसे ज्यादा टैंकों का इस्तेमाल हुआ था। 15. पाकिस्तान में सिंधु घाटी और मोहनजोदड़ो सबसे प्राचीन स्थल है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर आज से 5000 साल पहले बसे हुए बड़े शहर हैं। और वह शहर बहुत ही अच्छे और साफ सुथरे तरीके से बनाए थे। उस समय भी वहां के लोग खेती किया करते थे और अपने औजार और बर्तन खुद बनाते थे, और वहां पर उनके पढ़ने लिखने के भी प्रमाण मिले हैं। राखीगढ़ी और एक पंजाब के अंदर भी इसका स्थान मिला है। यह बहुत बड़ा प्रांत हुआ करता था, लेकिन किसी आपदा के कारण या किसी तबाही के कारण पूरा का पूरा प्रांत एक मिट्टी के टीले के नीचे दब गया, जो कि किसी अंग्रेज अधिकारी द्वारा रेलवे ट्रैक बनाने के लिए वहां पर पत्थर के रोडिया तोड़ते समय वहां पर कुछ ईंटें सामने आई और उनको देखकर खुदाई की। उसके बाद ऐसे ही पता चला कि वह एक बहुत ही पुराना शहर था और उसका संबंध बहुत से बड़े बड़े शहरों के साथ था। 16. तक्षशिला यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, जो कि पहले एक भारत का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन अब वह पाकिस्तान के रावलपिंडी में है, जिसकी स्थापना 700 वर्ष ईसा पूर्व की गई थी। और तक्षशिला यूनिवर्सिटी में बहुत से योगियों ने ज्ञान प्राप्त किया है और बहुत से राजकुमार राव ने वहां पर पढ़ाई भी की है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी में हिंदू और बौद्ध दोनों को ही बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया जाता था और यहां के आचार्य चाणक्य थे। यह दुनिया जिला की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होगी। तक्षशिला में 700 भी अधिक विषयों के बारे में पढ़ाया जाता था। बताया जाता है कि इस नगर की स्थापना श्री राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष ने की थी, और तक्षशिला में उस समय पूरे विश्व के लगभग 10,500 से भी अधिक छात्र अध्ययन करते थे। प्राचीन भारतीय साहित्य के अनुसार कौटिल्य, चंद्रगुप्त, जीवन कौशल राज आदि महापुरुषों ने इसी विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। पाकिस्तान के बारे में रोचक तथ्य और जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आपका।